जुड़ना चाहते हैं ठाकुर सर से। ठाकुर सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आज मुझ तक पहुंच रही है। मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। हम पहुंचे हैं एग्जामिनेशन सेंटर पर पटवारी एग्जाम एनालिसिस के लिए और अभी हम हैं सेज यूनिवर्सिटी के सेंटर पर। ठाकुर सर से मैं बात कर रहा हूं, इसी क्रम में आगे की बात मैं बढ़ाता हूं। इसमें एक बड़ा प्रश्न अभी ठाकुर सर ये है कि जी सर, सब स्टूडेंट जो है वो हाँ इस बात को जानना चाह रहे हैं कि पेपर में कितना वेरिएशन मिलने की संभावना है। मतलब इस सेकंड शिफ्ट का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि सेकंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस से ये पता चलेगा कि पेपर में व्यापम ने एक जैसा ही बिल्कुल सेगमेंट रखा है सभी सब्जेक्ट का, या उसमें कोई बड़ा बदलाव है, यानी कि वेरिएशंस आगे किस तरह के देखने को मिलेंगे। जी जी सर, बिल्कुल, हम इसीलिए यहाँ मौजूद हुए हैं, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि क्या पहली शिफ्ट के बाद दूसरी शिफ्ट में बहुत बड़े बदलाव या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, या पहले शिफ्ट में जिस प्रकार का पेपर देखने को मिला उसी प्रकार का पेपर सेकेंड शिफ्ट में भी अगर हमको देखने को मिलता है तो इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि आगामी 2 या 3 दिन इसी प्रकार के पैटर्न पर व्यापम रहने वाला है। उसके बाद हो सकता है कि वो अपने पैटर्न में कुछ छोटा मोटा बदलाव करे। अगर इस शिफ्ट का पेपर सेम वैसा ही आता है जैसा कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आया है तो यकीन यहाँ पर हम ये कर सकते हैं व्यापम का कि आने वाले 2 या 3 दिनों तक सेम आपको पेपर देखने को, उसी लेवल का पेपर देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने सुबह की शिफ्ट में देखा सर कि सुबह की शिफ्ट में पेपर का जो एवरेज है वो मीडियम रहा, ना तो वो बहुत ज़्यादा हाई गया है ना बहुत ज़्यादा लो गया है। तो इसी प्रकार की आज भी सेकेंड शिफ्ट में भी हमको उम्मीद है कि सेम पेपर होने वाला है। जैसे सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए, हर सब्जेक्ट से सभी टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस पहली शिफ्ट में पूछे गए थे, अगर उसी प्रकार के सेकेंड शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जिन लोगों का कल या परसों में पेपर है, 16 या 17 मार्च को जो पेपर है, उन लोगों को इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। उनको ये पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पर हमें आने वाले 1-2 दिन में फोकस ज्यादा करना। ठीक है सर, आपका मेरा पेपर अच्छा था, अच्छा पर क्वेश्चन इजी थे पर टाइम कम पड़ गया। क्वेश्चन इजी थे, टाइम मैथ रीजनिंग उसने आखिर लास्ट में दे दी थी इसलिए टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मैथ रीजनिंग भी इजी थी। हाँ। हो जाता स्कोर तो भी अच्छा होता, अच्छा, टाइम अच्छा। की वजह से वो कम हुआ। कौन सा सब्जेक्ट आपको ऐसा लगा कि टफ आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा, सारे ही सब्जेक्ट सरल आ रहे। हाँ, मतलब नॉर्मल था। अच्छा, मैथ्स से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे? मैथ्स से मतलब एक तो वो क्या बोलते हैं पाई चार्ट में वो डेटा इंटरप्रिटेशन पूछा था उसने। हाँ हाँ। और मतलब मीन मीडियन मोड भी पूछा था, मोड का एक क्वेश्चन पूछा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मतलब एक सिंपलीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चंस थे। सिंपलीफिकेशन से? हाँ। और लाभ हानि रेशो परसेंटेज पूछा था, रेशो भी 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, समय का लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क से भी आया। औसत से सवाल आए थे? औसत से भी 1 क्वेश्चन था और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 1 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन? हाँ। अच्छा, एलसीएम एससीएफ से? एलसीएम एससीएफ नहीं था, एलसीएम एससीएफ से क्वेश्चन नहीं आया। एडवांस मैथ्स में कौन से टॉपिक? एडवांस मैथ्स हाँ थे, 2-4 क्वेश्चन थे पर जैसे बेलन। जी गुप्ता सर को मैं माइक दूं, उससे पहले एक छोटा सा एक पॉइंट बोलना चाह रहा था कि आप जैसे स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट भी एग्जाम दे रहे हैं, सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट एग्जाम अंदर तो दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ उनके वेटिंग में भी हमको कुछ ऐसे लोग मिले हैं जो भाई बहन है जो सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट हैं और अपने भाई को, अपनी बहन को या किसी और रिश्तेदार को यहाँ एग्जाम दिलवाने के लिए लाए हैं। तो मतलब अंदर बैठे हुए विद्यार्थियों में सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट तो है ही है, साथ ही साथ बाहर भी जो वेट कर रहे हैं उनका बाहर निकलने के लिए वो भी सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट हैं। तो ये तो सारे स्टूडेंट को अब मानना ही पड़ेगा कि किसी भी सेंटर पे चले जाएं, इंदौर के ही सेंटर नहीं, आप मध्य प्रदेश के किसी भी सेंटर पे पहुंच जाइए, वहां पर सत्यादि शर्मा क्लासेस के स्टूडेंट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं गुप्ता सर को माइक दे देता हूँ, वो भी कुछ यहाँ पर बोलेंगे। नमस्कार शर्मा सर, नमस्कार ठाकुर सर, नमस्कार गुप्ता सर। ये यहाँ पर विद्यार्थी गुप्ता सर कमेंट कर रहे हैं कि शायद गुप्ता सर जो है वो मैडम से चैट कर रहे हैं क्या?
ऐसा पूछ नहीं रहे नहीं हैं मैडम लोग। से चैट नहीं कर रहे सर, स्टूडेंट का ही मतलब मैसेज आया था और वो यही पूछ रहे थे कि सर हम लाइव देख रहे हैं, आप लोग वहाँ हैं तो हमें ठीक से एनालिसिस दीजिएगा। तो हम यहाँ संस्थान की तरफ से इसीलिए आए हैं कि आपको ठीक से एनालिसिस मिले। खास करके हम ये जानना चाहते हैं कि जो 200 क्वेश्चन के जो फेसेस बनने वाले थे 25-25 नंबर के, उस फेसेस में क्वेश्चन आ रहे हैं या मिक्सअप आ रहे हैं, और अगर मिक्सअप आ रहे हैं तो किस सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा मिल रहा है, और कौन सा सब्जेक्ट एक तरह से सिंपल और कौन सा हार्ड आ रहा है, ये हम देखना चाहते हैं। एक मेन मकसद ये भी है कि जीएस 25 नंबर का, और चूंकि जीएस फैकल्टी होने के नाते ये जानना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटी, इकोनॉमी या सर करंट अफेयर्स से किस तरह का क्वेश्चंस बन के आ रहा है और किसका वेटेज ज्यादा है, और हार्ड लेवल पर है या फिर सॉफ्ट लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये जानना जरूरी था। तो इसीलिए आपके दिशा निर्देश के अनुसार मैं यहां मौजूद हूं, और ये स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि जीएस 25 नंबर का है, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि किस सेगमेंट से हम ज्यादा नंबर जो है गेन कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, कंप्यूटर में कीज वगैरह तो नहीं पूछी थी। हाँ, हाँ। लेकिन कंप्यूटर में किस मतलब फंक्शन की का क्या उपयोग होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन थे। अच्छा, फंक्शन की पूछी गई थी, फंक्शन की किस प्रकार की होती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ, तो कुल मिला के कंप्यूटर भी सर उसी प्रकार का था जो सुबह की शिफ्ट में अपने को देखने को मिला है। सर केवल ये जानना है पेपर का लेवल कैसा रहा। मैं बोलूंगी मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था। अच्छा। थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स का पार्ट आएगा और रीजनिंग का पार्ट आएगा वो थोड़ा हैवी था। हाँ। बाकी जीएस जो था वो इजी था कंपैरेटिवली। अच्छा, जीएस को इजी मानेंगे। हाँ, ऐसा आपकी बातों से लग रहा पीएससी एस्पिरेंट लग रहे हैं। हाँ, इसलिए मुझे ऐसा, क्योंकि मैंने पीएससी के लिए जो जीएस पढ़ा है मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था, और उसी का जीएस इसमें पूछ लिया उन्होंने। अदर्स से मतलब आपको ऐसा नहीं है कि पूरा कुछ रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा। इंग्लिश का आपको कैसा लेवल लगता है, इंग्लिश हाई लेवल पे थी या मॉडरेट थी। मैं क्योंकि इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मुझे तो मॉडरेट लगी। इजी लगी मुझे, और हिंदी भी मॉडरेट ही थी, हिंदी भी टफ नहीं आई है अभी तो मुझे नहीं लगी। टॉपिक बता सकते हैं थोड़ा सा हिंदी के। हिंदी में जो टॉपिक थे कुछ इस पे थे अपने स्वर संधि वगैरह पूछी थी उन्होंने कि कौन सी स्वर संधि है, समास पूछे थे कि कौन सा समास कौन सा है, और मैं कहूंगी कि समास के दो तीन क्वेश्चन थे, चिन्ह के जरूर क्वेश्चन पूछे उन्होंने कि ये मतलब योजक चिन्ह से क्या शुरू होता है और इस टाइप का ये पूछा है। फिर उन्होंने एक जैसे कथन दे दिया है तो उसमें ये दे दिया है कि अगर ये किस चिन्ह से शुरू हो रहा है, इसमें बीच में कौन सा चिन्ह यूज हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन थे, तो चिन्ह के क्वेश्चन जरूर उन्होंने। अगर बात करने को मिला है क्या आपने को क्षेत्र मिति जैसे बेलन, शंकु, गोला, अर्ध गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, एक आया था लेकिन क्वेश्चन ही गलत था वो। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन उसमें ऐसा हुआ था, उसमें ऐसा बोला था कि जो रेडियस है वो ट्रिपल कर दी गई है, अब आप रेशियो बताओ, लेकिन रेशियो का रेशियो बताओ ना, तो उसमें एरिया बोला ना उसमें वॉल्यूम बोला। अच्छा, उसमें जो ऑप्शन थे वो भी 1:9, 1:27 थे, अगर वॉल्यूम है तो 1:27 हो जाता, एरिया तो 1:9 हो जाता, लेकिन बोले नहीं था उसने। हाँ, आपके नंबर कितने हैं। 146 146 146 डेविड भाई को।